नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका सीएफआई समाचार में। दिल्ली के अति सुरक्षित भवनों में से एक राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौंकना हो गए हैं। दरअसल इस घटना में एक लड़का और लड़की रात के वक्त गाड़ी लेकर राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए। हालांकि इसी दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। वारदात सोमवार की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। गाड़ी लड़का चला रहा था और लड़की उसके बगल में बैठी हुई थी। ये गाड़ी राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से घुसी और 3 बैरिकेड्स को पार कर अंदर तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद दोनों से काफी पूछताछ की, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सूत्रों की माने तो दोनों नशे की हालात में थे। घटना के बाद मौके पर मौजूद सभी सुरक्षाकर्मी चौकन्ने हो गए। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोग गलती से राष्ट्रपति भवन में घुसे थे या जानबूझकर। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बीच राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा में तैनात जवान काफी अलर्ट मोड में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएफआई समाचार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को आतंकी संगठन करार दिया है। भानु प्रताप सिंह ने कहा, बॉर्डर पर बैठे किसान नहीं बल्कि आतंकी हैं। उनका नेता राकेश टिकैत सबसे बड़ा आतंकवादी है। भानु प्रताप सिंह ने सवाल खड़े किए कि जिस तरह से लाल किले पर तिरंगा हटाकर दूसरा झंडा फहराया गया, वह आतंकवादियों की ही करतूत हो सकती है। राकेश टिकैत पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो राकेश टिकैत को कब का जेल भेज दिया होता। तिहाड़ जेल राकेश टिकैत का इंतजार कर रही है, पता नहीं कब नंबर आ जाए। बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने के दौरान जिस तरह किसानों ने राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ली थी, उसके बाद भानु प्रताप सिंह ने आंदोलन से अपने कदम वापस खींच लिए थे। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने मांगों को लेकर कहा कि मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उस महापंचायत के बाद वार्ता हो चुकी है। चूंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, इसलिए मांगे चुनी हुई सरकार ही पूरा करेगी। भानु प्रताप सिंह ने आगे कहा कि 24 प्रांतों में संगठन फैला हुआ है, सरकार हमारी बातें जरूर मानेगी। किसान आयोग को लेकर सरकार पहले से ही एक्टिव है। हमारा संगठन किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएफआई समाचार। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।